नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। मुंबई के सभी पुलिस वसाहत और बीडीडी चाल का पुनर्वर्सन हो रहा है। मुंबई के वर्ली बीडीडी चाल का काम शुरू हो चुका है, पर आज भी एक बीडीडी चाल ऐसी है जहां के निवासी सरकार की तरफ टकटकी लगाए उम्मीद में देख रहे हैं कि उन्हें भी कुछ आश्वासन मिलेगा और उनका भी कुछ भला होगा। आपको बता दें कि ये सिवड़ी की बीडीडी चाल है। यहाँ इन लोगों की तीसरी पीढ़ी है। इन्हें यहाँ पे तकरीबन 98 साल हो चुके हैं। इतने समय में इन इमारतों की हालत खस्ता हो चुकी है। जनता का कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन ही दे रही है। देखिए क्या कहना है सिवड़ी बीडीडी चाल के निवासियों का। मेरा नाम अविनाश भोंडवे है जी। अविनाश जी, कितने सालों से आप यहाँ बीडीडी चाल में रह रहे हैं? मैं तो जैसा जन्म हुआ है, मतलब मुझे 50 साल पूरे होने आए, तो आप सोचो कि यहाँ पे कितना 2-3 पीढ़ी हुई है। मेरे दादा परदादा पिताजी सब यहाँ पे रह चुके हैं। अविनाश जी, अगर मैं बीडीडी चाल डेवलपमेंट की बात करूँ, पिछली गवर्नमेंट में भी काफ़ी चर्चाएँ हुई थी और इसके ऊपर काफ़ी सारे नियम पास किए गए थे। इस बार सरकार नई बदल चुकी है। आज भी बीडीडी चाल और पुलिस कॉलोनी की डेवलपमेंट की बात की जा रही है, मगर आपको क्या लगता है सही मायने में डेवलपमेंट हो रहा है या होने वाला है? पहली बात है, 1924 में हमारा पूरा बिल्डिंग हुआ है और मुझे लगता है ये 24 को पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 100 साल पूरे हुए, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी ये जो हमारा 5.5 एकड़ का जो जगह है वो बीपीडी के अंडर में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। और यहाँ के खासदार अरविंद सावंत है, यहाँ के MLA है अजय चौधरी जी, नगर सेवक भी अच्छे हैं यहाँ पे सचिन पडवल, इन्होंने हर बार प्रयत्न किया है। हमारे खासदारों ने तो 2-3 बार संसद में ये प्रश्न उठाया। तो वहाँ पे अभी तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ के जो वो कंसर्न डिपार्टमेंट के कोई मंत्री है संबंधित, सोनोबॉल, तो उन्होंने सीधा सीधा रिप्लाई दे दिया उनको, इसको खासदार को अरविंद सावंत जी को, कि यहाँ पे कोई प्रस्तावित अधीन नहीं, अभी हमारे हम लोग देखेंगे, अभी कोई प्रस्ताव ही नहीं लिया। तो इस तरह से जवाब देना कोई मतलब नहीं ना। आपके दायरे में है ये जवाब, आपके दायरे में फाइल है तो आपने पास करना चाहिए ना। यहाँ के लोगों का देखो, 2-3 पीढ़ी हुए, 100 साल होने आया, कोई बिल्डिंग गिरेगी तभी आप ये सवाल उठाएंगे क्या? और पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकार ने पूरा सहयोग दिया था यहाँ पे। अभी ये सरकार का मुझे तो भविष्य कुछ दिखता नहीं है सरकार का, तो वो सरकार का बाजू में ही रखो। लेकिन पिछले सरकार का मैं बोलता हूँ ना, कि हम लोग थे वहाँ पे, देखे ना नज़दीक से, देखे क्या क्या कर रहे थे, हर टाइम मीटिंग्स, माड़ा को बताया, हमारे यहाँ पे बिल्डिंग के यहाँ पे मीटिंग्स लिए, हमारे MLA अजय चौधरी साहब ने लिया था मीटिंग, तो सब अधिकारियों को बुलाया था, प्लान दिखाया, बीपीडी के अधिकारी दिखाया, राज्य बीपीडी ने यहाँ पे सकारात्मकता दिखाई, वो सब रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास गया। एक बार तो हम लोग नितिन गडकरी जी थे केंद्र सरकार में, तभी दिल्ली भी गए थे हमारे बीडीडी चाल के पुनर्विकास के लिए, उन्होंने सकारात्मकता दिखाई थी वो टाइम में कि कैसा भी करके मुझे ये पट्टा पूरा करना है, क्योंकि वही क्लीन हो गए। फिर उनको बाजू में हटाया, उनके बाद में दूसरा एक मंत्री आया मांडवी करके, तो उन्होंने भी कुछ हाँ करता हूँ देखता हूँ मैं, उसके बाद में फिर से संसद में खादर जी ने सवाल उठाया तो नए सोनोवाल है, तो उन्होंने तो सीधा नकार दिखाया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके। अगर मैं ये सवाल करूँ कि जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में ले लिया जाए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो मिलीजुली सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि इनको चाहिए कि केंद्र के कानों तक ये बात पहुंचाए, केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाए, ताकि ये काम जल्द से जल्द हो? देखिए क्या, हम लोग यहाँ पे सभी पक्ष के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो मैं किसी एक पक्ष का नहीं बोल सकता। यहाँ पे हम लोग पक्ष नहीं देखते, हम लोग यहाँ पे रहवासी है, हमें यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन ये सरकार का भविष्य क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 महीने से कोई मंत्री अपॉइंट किए ना, एक मंत्री यहाँ पे घूम नहीं रहा। अभी हम लोग भी मंत्रालय में देखते ना, तो संबंधित खाते में कोई मंत्री नहीं दिख रहा है। अब किस तरह से हमारा ये प्रश्न हल करेंगे, तो मुझे यहाँ पे फिक्र हो रही है, मुझे मतलब सभी रहवासियों को फिक्र हो रही है। देखो हम तो चाहते हैं भाई यहाँ पे स्थानीय सरकार आवे, केंद्र सरकार के पास हमारा ये सब सवाल उठा देवे और हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। 960 फैमिली है यहाँ पे, ये 960 फैमिली पूरा बोलते हैं ना कि आज डेवलपमेंट हो जाएगा, कल डेवलपमेंट हो जाएगा, यही उम्मीद में सब। सर आपका नाम? जी मेरा नाम रविंद्र है। हाँ मेरे भी पूरे 50 हो गए अभी। तो रविंद्र जी, आपको क्या भविष्य लग रहा था बीडीडी चाल का? भविष्य क्या है, अभी इससे पहले शिवसेना थी और कांग्रेस की युति में थी, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग देने के लिए तैयार है सेंट्रल गवर्नमेंट से, पर ये लोग खरीद नहीं रहे लैंड। तो अभी इनकी सरकार आई, तो अभी ये कोई आके पूछना तो चाहिए कि भाई कैसा डेवलपमेंट होएगा कैसा नहीं, हम लोग तैयार है अभी। चलो हम लोग को तो कोई बात ही नहीं करता कि शिवडी डेवलपमेंट के लिए, शिवडी डेवलप कैसा होएगा। हाँ
तो कैसे करें हम लोग अभी, किसके पास किसके पास उम्मीद लेके जाए कि भाई बीजेपी देगी? इससे पहले बोले शिवसेना के हाथ में, अभी बोले कि बीजेपी के हाथ में। हाँ तो बीजेपी तो अभी है ना सरकार में, कर सकती है वो, तो अभी उनको कौन बोलेगा ये? तो आपको क्या लगता है अभी जो नई सरकार है उससे कुछ उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं, कोई नहीं। इससे पहले के भी वैसे दे, अभी इससे पहले बहुत ट्राई किया हमारे जो अभी नगर सेवक है जी, सचिन पडवल जी, उन्होंने खूब ट्राई, बहुत ट्राई किया इधर। हाँ सचिन पडवल सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल यादव है। अनिल जी आप कितने साल से यहाँ? मैं भी मेरे दादा परदादा यहाँ रह चुके हैं जी, तो मतलब आपकी कई पीढ़ी यहाँ पे रह चुकी है, लगभग 30 पीढ़ी रह चुकी है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा जिस तरीके से अभी जो हाल में सरकार बदल चुकी है, तो भाजपा के जो नेता है वो तो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे इनको घर दिलाने की और इनका जो डेवलपमेंट है उसका काम करने की, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से मैं जब से बड़ा हुआ हूँ तब से जानता हूँ, जो सरकार आती है वो यही बोलती है कि मैं आपको घर, हम लोग आपको घर दिलाना चाहेंगे जी। लेकिन कोई कुछ नहीं करता, और यहाँ के बीडीडी चाल के 12 बिल्डिंग के सभी रहवासी टेनेंट सोए हुए हैं। कोई अगर जाग जाए, 12 बिल्डिंग एक हो जाए, तो ये सवाल आराम से हल हो सकता है। लेकिन कोई रहवासी आगे आके बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोल नहीं रहे हैं? क्या मालूम, लेकिन वो बोलना चाहते ही नहीं जी। डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन बोलना चाहते नहीं। उन लोग को सिर्फ यही चाहिए कि घर बैठे हम लोग को घर मिलना चाहिए बस। सर अभी ये 100 साल के लगभग होने आ रहा है, अगर कोई हादसा हो जाता है तो क्या सर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो ये जिम्मेदारी ले? उनको ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई नहीं। 100 साल तो अगले साल 2024 में तो 100 साल पूरा हो रहा है। अगर हादसा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो मेरे पीछे बड़ी संख्या में बीडीडी चाल के रहने वाले जनता है, जो कि तकरीबन 100 साल अनकरीब ही इन इमारतों को पूरा होना है। 100 साल तक ये जो इमारतें हैं 100 साल से खड़ी हैं, और जिस तरीके से महाराष्ट्र के सरकार की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होता है, दूसरी सरकारें आती है, उससे पहले की सरकारें कहती है हम आपको घर दिलाएंगे, नई सरकार आती है वो कहते हैं हम आपको घर दिलाएंगे। हमारा सवाल ये है कि सरकार बदले चाहे जिसकी भी, मगर जनता को उनके हक का घर कब मिलेगा? वो चाहते हैं डेवलपमेंट, वो चाहते हैं कि इतनी जूनी जर्जर इमारतें जो हैं इसे ढा दी जाए और इसकी जगह पे एक नई मजबूत इमारत खड़ी की जाए, ताकि हम अपने परिवार और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें इस माहौल में। मगर कहीं ना कहीं सरकारें बदलती रहती है, मगर जो है जनता का मसला वैसे के वैसे ही रहता है। लोग आते हैं, नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि अनकरीब ही तुम्हारा जो है पुनर्विकास होगा, तुम्हें अच्छी तरीके से बसाया जाएगा, मगर ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाती है और फाइलें जो है कहीं ना कहीं धूल खाती नजर आती है ना। जैसे कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रियों से जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि भैया हमारे तक तो कोई फाइल पहुंची ही नहीं, तो यहां का डेवलपमेंट करें होगा किस तरीके से? और जिस तरीके से जनता त्रस्त है, मगर आज जो है अब की मैं बात करूं महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, हमने भाजपा के आला नेताओं से भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की, तो उनका भी यही कहना था कि बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो जाएगा और बहुत जल्दी लोगों को अपने सपने का घर मिलेगा, मगर ये घर कब मिलेगा इसकी जो है आशा लगाए बैठे, टकटकी लगाए बैठे यहाँ बीडीडी चाल के लोग हैं और हम भी इस खबर की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब सरकार नींद से जागेगी और इनको इनके हक का घर दिलवाएगी। कैमरामैन सटवीलकर के साथ शैशिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस मुंबई। आपने सुना ये जगह केंद्र सरकार के अधीन आती है। अगर आज की बात करें तो केंद्र में और महाराष्ट्र में भाजपा की ही सरकार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले में दखल देंगे और 900 से अधिक घरों का पुनर्विकास होगा, या तो कोई हादसे के बाद सरकार की नींद खुलेगी, क्योंकि नेता तो इतनी जल्दी नहीं जागते हैं। जब कोई हादसा होता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो जाता है और वादों की बौछार हो जाती है। अभी वक्त है इनके लिए सोचने का, सरकार के पास इन सबको इंसाफ देने का। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की विशेष रिपोर्ट।